दोस्तों 30 अक्टूबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी की बेल को रिजेक्ट किया और तब से उस रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। 45 पेज का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2,20,00,000 रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी, ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप, कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी, कोर्ट ने उसमें भी कहा ये भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों के दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब ये कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लेके बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं, संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है, ये ईडी ने अपने समन में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी को समन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी।
मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया, 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का। उनको कैसे पता था कि दो दिन बाद या एक दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है? कोई ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? या भगवान विष्णु के अवतार है कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर है, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून, ये कहा है कि ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, इसके अंदर अस्पष्टता है, ये राजनीतिक दुर्भाव से, राजनीतिक कारणों से ये सम्मन दिया गया है, लिहाजा आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है, आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए।